हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको ढाबे स्टाइल दाल तड़का कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये छोटे कप से आधा कप तुअर दाल लिया है और आधा कप चना दाल लिया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैं धो लूंगी। देखिए, दाल को मैंने तीन पानी से धो लिया है। अब मैं सबसे पहले कुकर लूंगी। अब मैं इसे कुकर प्रेशर कुकर में डालूंगी सारे दाल को। एक कप मैंने दाल लिया है तो इसी कप से मैं चार कप पानी डालूंगी। 1, 2, 3 और 4। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और कुकर का ढक्कन लगाकर अब मैंने कुकर गैस पे रख दिया है। इसे 3 सीटी आने तक मैं इसे पका लूंगी। 3 सीटी आ गई है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब कुकर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। कुकर ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे तड़का लगाऊंगी। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, चेक कर लेते हैं खोल के। देखिए, दाल बहुत अच्छा बन गया है। अगर आपकी दाल नहीं गली है तो आप इसे 2 सीटी और लगा सकते हैं। मेरी दाल गल गई है पूरी। देखिए, अब मैं तड़का लगाना शुरू करती हूँ। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पर। अब मैं इसमें डालूंगी तेल और बटर मिक्स। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल तड़के में। आप इस तरीके का बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगे ये दाल तड़का। बटर मेल्ट हो गया, अब मैं डालूंगी इसमें 2 सूखी मिर्च, 1 हरी मिर्च तो बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा जीरा, 5 से 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 पिंच, 5 से 6 कड़ी पत्ता और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करूंगी। अब डालूंगी मैं इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर, इसे अच्छे से मिला लूंगी और इसी पेस्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर हमारा, देखिए टमाटर गल गया है हमारा। अब इसी पेस्ट में मैं डालूंगी इसमें रेड चिली पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं डाल रही इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसी स्टेज पे मैं डालूंगी दाल। आप इसी तरीके से दाल तड़का बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने ढाबे स्टाइल दाल तड़का बनाया है, आप इसी तरीके का बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं डाल रही हूँ फाइनली बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्लो कर देंगे। देखिए, हमारा दाल तड़का बनकर रेडी है। इसे आप तंदूरी रोटी के साथ खाइए, बहुत ही लाजवाब लगता है। ढाबे स्टाइल दाल तड़का बनकर तैयार है, आप इसी तरीके से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और इसे आप रोटी या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें
या जीरा राइस, बहुत ही बढ़िया लगता है ये दाल तड़का।